सीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इंग्लिश की चौथी क्लास है, सॉरी इंग्लिश की तीसरी क्लास है, वॉयस की तीसरी क्लास है। और इंग्लिश के तो बहुत सारे क्लास हो चुके हैं ऑलरेडी, मैंने टेंस पढ़ा दिया है, अब उसके बाद वॉयसेस पढ़ा रहे हैं, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस। और इसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव के रूल्स। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए, रूल्स यही है कि भाई जो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है पैसिव का, उसमें हैज़ बीन, और प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव बीन का यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो जिंदाबाद है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए आप, जैसे नूतन हैज रिटन अ लेटर, ये हो गया नूतन हैज रिटन ए लेटर, मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, न्यूटन हैज़ रिटन ए लेटर। तो अभी यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये होगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है थर्ड फॉर्म, और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, पैसिव करना है, ये अपना क्या हो गया, एक्टिव है, ये एक्टिव वॉयस हो गया। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ए अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर, चूँकि अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ बीन यूज करें, अ लेटर हैज़ बीन, अ लेटर हैज़ बीन, फिर थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही है, इसमें कोई वही नहीं है, तो हम लिख देंगे हैज़ बीन, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई नूतन, ठीक है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई नूतन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ वॉश्ड, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, ठीक है, ये आपका एक्टिव है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, द प्लेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द प्लेट्स, प्लेट्स बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या समझ में आ रहा, चूंकि यहाँ पे एस लगा है तो ये क्या है, प्लूरल है, तो द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाई हिम, ठीक है, बाई हिम, ही का जो होगा ऑब्जेक्ट वो हिम बन जाएगा, बाई हिम हो गया, वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए अगला देखिए, एक्टिव, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, ठीक है, तो ये इसका जब हम करेंगे तो द बॉल हैज़ बीन थ्रोन बाई तेंदुलकर। नाम का लेटर जो है टी जो है कैपिटल रहेगा, मतलब जो भी चीज़ फेमस चीज़ें हैं, ताजमहल या किसी आदमी का नाम, प्लेस का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनका जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है, तो कैपिटल लेटर ज़रूर लिखें हमेशा। तो तेंदुलकर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देख लें, सी हैज रीच्ड सी हैज रीच्ड स्कूल,
आई हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है, एक्टिव है, मैंने झूठ बोला है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन है। और इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, झूठ मेरे द्वारा बोला गया है, उसका ट्रांसलेशन ए लाई हैज़ बीन टोल्ड बाई मी, जो आई का ऑब्जेक्ट है वो मी हो जाएगा, ठीक है। अगर आ जाए हैव आई टोल्ड अ लाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो इसका कैसे करेंगे आप? इसका करने के लिए फिर वही सेम है, हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाई मी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, पैसिव में। तो ये इतने एग्जांपल हो गए, और आपका कंसेप्ट यही है कि इसमें क्या यूज करना है आपको, हैज बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए, मतलब ये किस तरह से वर्क करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अब इसके बाद चौथा जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका जो है एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो पास्ट इन्फिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट में हमारी एंट्री हो जाएगी। ये जो तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पूरा का पूरा इसी प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा यहीं ख़त्म हो जाएगा, परफेक्ट टेंस भी अब यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ विशेष आपको बताने का नहीं है, ठीक है, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। होमवर्क में आपको समवन हैज स्टोलन माई वॉच, ये हो गया। और रीना हैज हैज बॉट अ पेन, रुपेश हैज गॉन इलाहाबाद, रवि देखिए दे हैज वॉच्ड टीवी, ठीक है। ये चार हो गए आपके होमवर्क, ये आपको करके मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सारा मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, इसलिए हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरफ अगले क्लास में बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।